बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा नहीं ठहर रहा है उसको, तो हस्बैंड अपना स्पर्म काउंट कराने जाता है एंड हस्बैंड के स्पर्म काउंट में नील स्पर्म आता है। नील स्पर्म आने के बाद वो अपना एक FNAC कराता है, टेस्टिस की जांच देता है, उसमें भी नील आता है। तो बहुत ही बेहद वो मायूस हो जाता है, उसे ये भी नहीं समझ में आता है कि इस न्यूज़ को वो किससे डिस्कस करे, बिकॉज हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि इनफर्टिलिटी को अभी भी एक सोशल टैबू दूसरी तरह से देखा जाता है। अगर किसी मरीज़ को कैंसर हो तो सब लोग उससे आकर के उससे सहानुभूति करेंगे, पर अगर किसी मरीज़ को एजोस्पर्मिया है, मींस अगर नील स्पर्म काउंट है और FNAC में भी नील आता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इस केस में मेरी यही गुजारिश है उन सभी लोगों से कि आप प्लीज़ हताश नहीं हो। एक प्रोसेस है जिसको टेस्टिकुलर रिजुविनेशन बोलते हैं, अभी तो ये बहुत ही डॉर्मेंट फेज़ में है, मींस अभी ये स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसके बहुत सारे अभी कलेक्टिव डेटा नहीं है, रिसर्च पेपर्स नहीं हैं। तो उस केस में भी हम लोग टेस्टिस का रिजुविनेशन करते हैं, जिसमें आपका ही ब्लड लेकर के उसके बाद उसको प्रोसेस करके उसमें अच्छे हार्मोन्स निकाल के, जो ग्रोथ हार्मोन्स एंड फैक्टर्स एंड इंटरल्यूकिंस होते हैं, वो टेस्टिस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इस चीज़ को करने के बाद बहुत बार टेस्टिस फिर से कुछ स्पर्म बनाने लगती है। ये नहीं कि स्पर्म आपका बाहर इजैक्यूलेशन में आने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट टेस्टिकुलर टिश्यू में के अंदर हमें इतने स्पर्म्स मिल जाएंगे जिससे कि हम एक एम्ब्रियो बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को एक मौका दे सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं डोनर स्पर्म से जाने के पहले। हो सकता है कि आप उन चंद लोगों में से हो जिनकी बॉडी इस रिजुविनेशन से रिस्पॉन्ड कर जाए और आप अपने ही स्पर्म से खुद पिता बन सकें। ये बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट होगी और ये आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, और साथ में जो लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे वो आपको बताई जाएंगी। तो इस प्रोसेस को लाइफस्टाइल चेंजेस और एडजुवेंट थेरेपी मींस न्यूट्रास्यूटिकल्स के साथ क्लब करके अच्छे रिजल्ट्स लाए जा सकते हैं और इसकी कोशिश की जा सकती है। हम रखें आपका ख्याल।